इसमें हम बात करते हैं इफ की कंडीशंस पे, इफ को हम समझते हैं। जैसे भी थोड़ा देर पहले हमने बताया था आपको अगले पिछली एग्जांपल में कि हम यहाँ पे कोई केस लेते हैं तो हम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, राइट? अब इसमें मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इफ का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इफ के फॉर्मूले में है क्या, समझिए। जैसे सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल ब्रेस कर सकते हैं या फिर प्लस ब्रेस कर सकते हैं, हालांकि माइनस भी करते हैं कि माइनस का यूज नहीं करते क्योंकि माइनस से रिजल्ट चेंज हो जाता है। इफ जैसे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उस करेक्टर से पूरा ऑटोसजेशन देगा कौन सा फॉर्मूला चाहिए, माउस किसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और फिर जैसे जो फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया प्रेस द टैब, टैब को प्रेस कर दे। ओके और यहां पे नीचे अभी अगर टैब प्रेस नहीं करते तब तक इस फॉर्मूला का आपको डेफिनेशन आ जाता है कि चेक द वेदर कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। ओके और टैब प्रेस कीजिए यहां पे आ जाएगा एंड यहां पे हम देंगे फॉर्मूला। यहाँ पे तीन साइड, पहले यहाँ पे सिंटैक्स को देखिए, सिंटैक्स का लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। वैल्यू ऑफ लॉजिकल टेस्ट में देखिए आपका बड़ी ब्रैकेट मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है एंड वैल्यू ऑफ ट्रू देख रहा है कि आपका स्क्वायर ब्रैकेट में, समझ गए? इसका मतलब क्या है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में है इट्स ऑप्शनल, वो क्या है, ऑप्शनल है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है वो ऑप्शनल नहीं है। मतलब कि अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इफ बाहर नहीं आएगा क्योंकि हमें लॉजिकल टेस्ट तो देना ही पड़ेगा और लॉजिकल टेस्ट जिससे दे देंगे वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स डालने की जरूरत नहीं है, डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा अदरवाइज डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा। सिर्फ इफ में ही नहीं बहुत सारे फॉर्मूले से वी लुकअप लगाते हैं तो वहां भी देखिए रेंज लुकअप आपका ऑप्शनल है, ऐसे सब्स्टिट्यूट लगाते हैं तो मोस्टली फॉर्मूले में या वीवी के सिंटैक्स में देखिएगा जिसमें बड़ी ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं बचपन से, तो स्क्वायर लगा हुआ इसका मतलब आपका ये ऑप्शनल है। तो वीर सिंह जी आप लोग क्या बोलते हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट को? सर इसको हम भी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ही बोलते हैं सर, हम लोग जब बचपन से पढ़े हिंदी में पढ़े थे ना सर, तो हम लोग जो टीचर थे उसको बड़ी ब्रैकेट बोलते थे, छोटी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। और कर्ली ब्रैकेट तो उसको ये बोलते हैं ना? हाँ ये इसको इसको एरे का यूज होता है, राइट? ओके चलिए इफ का लगाने का सिंपल है, क्या इफ लगाइए यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट अपना ऑपरेट कीजिए जो लॉजिकल टेस्ट है और फिर यहाँ पे अगर आपका नंबर में है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर आपका रिजल्ट टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा कि ओके एंड जो भी आप लेना चाहते हैं ये आपका आएगा। ये हमारा इफ का एग्जाम्पल है, इफ को हम इस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो आगे की एग्जाम्पल में इफ से रिलेटेड और भी चीजें हम बताएंगे।